कि जितनी ये कनाडा में ग्रुप्स है, ये सब के सब इनके कनेक्शन CIA से भी हैं और ISI से भी, सब के तार आके वहां पे जुड़ते हैं ISI। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और गेस्ट जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्सर आपने इन्हें टीवी स्टूडियो में देखा है और भारत की आवाज को बुलंदी के साथ उठाते हुए, बुलंद आवाज में भारत की बात करते हुए, भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हुए आपने देखा है। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब है, कर्नल आरएसएन सिंह साहब, जो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, जैसा कि आप रैंक से ही समझ गए होंगे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं, ऑथर भी हैं सर, 5 किताबें लिख चुके हैं जियोपॉलिटिक्स पर, और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी आप उन्हें लगातार नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में देखते सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। सर जय हिंद और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे वक्त दिया। नमस्कार 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 मैडम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक नेशनलिस्ट के तौर पर भी आपसे, कि हम देख रहे हैं भारत को लेकर ग्लोबली परसेप्शन में काफी बदलाव आया है। जो क्रिटिक्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यू करते रहेंगे, तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती। भारत की छवि जो है वो बदली है, भारत ने जो देश के बाहर की ताकतें हैं उन्हें जवाब देना सीखा है, और बुलंदी के साथ और करारा प्रहार करके। लेकिन देश के भीतर जो कुछ गद्दार बैठे हैं, और आप समझ रहे होंगे जब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो मेरा मतलब क्या है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक आर्मी के वेटरन के तौर पर भी और एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर के तौर पर। देखिए, मैं अपनी जो भी टिप्पणी दूंगा ना, वो तो एक आर्मी एक आर्मी ऑफिसर की हैसियत से दे रहा हूँ, ना मैं एक रॉ ऑफिसर की हैसियत से दे रहा हूँ, क्योंकि इन समस्याओं को लेकर मेरी अपनी सोच है और मेरी सोच जो है वो अभी जो लोग ये सेक्युलरिज्म का जिन्होंने बहुत ज्यादा डोज ओवर डोज ले रखा है, उनको अभी मेरी बात समझने में आ रही है धीरे धीरे समझ, लेकिन लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से उससे निकल नहीं पाए। और आपने कहा शुरुआत की कि भारत की छवि जरूर बढ़ रही है दुनिया में, आप देख रहे हैं आप दुनिया के चौथे बड़े इकोनॉमी बन के उभर गए हैं, सामरिक रूप से आपका बहुत महत्व हो गया है, कभी अमेरिका आपसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को आपका की प्लेयर मानता है, कभी आप क्वाड्स के मेंबर हैं, आप एक बहुत बड़े आप एक एक मार्केट है उस नजरिए से भी, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में जो कि आपको आसपास कहीं देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, नेपाल देख लें, कहीं भी आप देख लें, इंडिया के जितने नेबरहुड है या यूरोप से ही आप अपनी तुलना करें, तो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 60% के भी आगे है, और आप जितने ये रैंकिंग निकलते रहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बाकी जो दुनिया के जितने रहनुमा है, जितने लीडर हैं, उनका कोई कोई 40% पे है, कोई 38% पे है, लेकिन अदिति जी यही स्थिरता जो है वो लोगों को बहुत बहुत तकलीफ दे रही है। एक तरफ अमेरिका आपको तो सामरिक रूप से उसको बहुत जरूरत है आपकी, वो जानता है कि बिना इंडिया को साथ लिए हुए जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक रूप से वो चीन को कंटेस्ट नहीं कर सकता, और हमें भी उनकी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल उसमें देखें तो हमारे और चाइना के बीच बीच में कॉम्पिटिशन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो आपने देखा, जो भी सैन फ्रांसिस्को में हुआ, एक बार हो जाए तो आप माफ कर सकते हैं, दूसरी बार हो जाए तो ये तो एक प्रायोजित तरीके से, इसमें पहले भी प्रायोजित था लेकिन इस बार और ये सुदृढ़ हो गया कि मतलब ये प्रायोजित तरीके से इसको किया गया था, तो ये जितने जो स्टेट अपरेटस होता है किसी भी देश का, वो दो तरह की चाल चलते हैं, खास करके पश्चिमी देश, और अमेरिका इनमें बहुत माहिर है।
एक तरफ तो आपकी गुणगान करेगा, आपको सामान बेचना चाहेगा, आपसे बहुत गर्म जोशी से पेश आएगा अगर उसके सामरिक खिताब के साथ है, लेकिन उसी के साथ साथ वो आपको अस्थिर भी रखना चाहता है, क्योंकि उनको अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ है तो ये भारत की स्थिरता से है और एक मजबूत एक सशक्त सख्त नेतृत्व से है, क्योंकि जब वही स्थिरता होती है तो उसमें उनका एजेंडा सबसे ज्यादा चलता है, और इसलिए वो अस्थिर रखने के लिए उनके पास और क्या, उनके पास हथियार है, उनके पास हथियार है खालिस्तानी, उनके पास है हथियार जिहादी। जिस तरह से ओबामा ने जिहादियों का इस्तेमाल वेस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया था, आईसिस का इस्लामिक स्टेट वॉज द क्रिएशन ऑफ बराक हुसैन ओबामा, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये खालिस्तानी को पालते हैं। और वरना आपके सॉइल पे कोई इस तरह की बात कर जाए और बार बार ये होता रहे, तीन तीन आपके छोटे छोटे राज जो है वो खालिस्तानियों को रिकग्निशन दे दें, और फिर भी आप हमसे आप चाहते हैं कि हमारे संबंध मधुर हो, तो ये तो एक अगर यही ये तो बिल्कुल डुप्लीसिटी, और यही दोगलापन अगर हम उनके साथ करें तो आप समझिए कि क्या होगा। और अब वक्त आ गया है कि हमें भी उनको थोड़ा उनको आईना दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये 70 और 80 के दशक वाली ये मनमोहन सिंह वाली वो ये भारत नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से फॉरेन सॉइल पर भी जाके हमने अपने इंटरेस्ट को हमने उसको बहुत इंटरेस्ट को परस्यू किया है जाके, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि उनको अस्थिरता चाहिए। आपका जो रवैया रहा है भारत सॉरी रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके, उनसे भी उनको तकलीफ है, और इसीलिए वो आपको बिल्कुल ऑन टेंटर हुक्स पे रखना चाहते हैं, आपको स्थिर रखना चाहते हैं। इसीलिए आप जितने ये हमले देख रहे हैं ये पश्चिमी देशों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको ये बता दूं कि CIA और ISI का गठजोड़ बहुत मजबूत है। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया है सर, मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी, इसे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा सर। नहीं देखिए, ऐसा है कि लोग इस तरीके से समझ ले कि हमारी तो भारत माता है, ठीक है ना, और ये एक बहुत ही नालायक भारत माता का संतान, पापी संतान, वो हमसे अलग हो गया जिसका नाम था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का बाप कौन है? पाकिस्तान का बाप है पश्चिमी देश। पाकिस्तान इज अ क्रिएशन ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका, ठीक है ना। और आपको इसीलिए आपको मैं बता दूं, ये 1947 की बात है, उस समय एक होते थे उनके फॉरेन सेक्रेटरी बेविन और कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी थे नोएल बेकर। तो बेविन ने लिखा था नोएल बेकर को कि देखिए, हम कश्मीर के मामले में हम भारत का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी हम इसराइल का पक्ष ले रहे हैं पैलेस्टीनियन के विरुद्ध, और अगर हम भारत का भी पक्ष ले लेते हैं तो पूरी इस्लामिक दुनिया यही सोचेगी कि हम मतलब पूरे इस्लाम के खिलाफ है। तो इस तरह की उनकी सोच थी हमेशा से, इसीलिए अपने सामरिक उनको मालूम था कि ये जब द्वित महायुद्ध के बाद जो अगली लड़ाई है वो एक्सपेंशन ऑफ कॉम्युनिज्म की है, उसमें एक उनको बफर स्टेट चाहिए था। पहले उन्होंने फाटा क्रिएट किया था जब उनको ग्रेट गेम, जब रशिया से उनको खतरा, जब रशिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आ गया था तो उनको लगता था कि वो कहीं भारत में ढोलक के न चले, तो उन्होंने फेडरल एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज पश्तूनों को बांटा था। तो इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। उसके बाद से इनकी गठजोड़ बहुत मजबूत रही, और पीक ऑफ कोल्ड वॉर में वो ये मतलब एक दूसरे को ये मदद करते रहे। अमेरिकन को बेस दिया था पेशावर में जहां से ये U-2 स्पाई प्लेन्स ऑपरेट करते, तो बहुत घनिष्ठ इनके संबंध है। इन्होंने 10 साल मिलके CIA और ISI ने मिलके अफगानिस्तान में 10 साल की लड़ाई लड़ी है वहां पे। तो वो गठजोड़ जो है आज भी अमेरिकन से भी अमेरिका, ये जब पाकिस्तानी जनरल जाते हैं
तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन बहुत खुश होते हैं इनके, और उनको मालूम है कि ये पाकिस्तान में इन जनरलों से कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक तो ठिकाना है ना उनका, सभी के नालायक बच्चे पाकिस्तानी जनरल्स के वही पढ़ते हैं कनाडा और अमेरिका में। और अगर मैं मेरे आपके सुनने वाले दर्शक हैं, अगर आपके बच्चे कहीं कनाडा अमेरिका में जा रहे हो तो उनसे एक बात जरूर कहिएगा कि ये पाकिस्तानी जनरल के बच्चों से कभी दोस्ती ना करें, वो बिल्कुल बिगड़े हुए पैसे, बिगड़े हुए औलाद है, ढेर सारे पैसे चोरी के पैसे वहां ले गए हैं, इसलिए उनको वहां कोई काम करने की जरूरत नहीं ना पढ़ने की जरूरत। तो ये गठजोड़ जो है CIA का और इसका, आप उसको उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सो पाकिस्तान इज अ प्रोडक्ट। अब आप देखे ना, लोग कह रहे थे पाकिस्तान क्या होगा, टूट जाएगा, चार हिस्सों में टूट जाएगा, पश्चिमी देश ये हो जाएगा, FATF का तलवार हैंग कर रहा है। हम इंडियंस ऐसे ही बहुत खुश हो जाते हैं, अभी $3 बिलियन दे रहे, हमको मालूम था कि वो बेल आउट करेंगे उनको। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है, ये ISI पश्चिमी देश और पाकिस्तान, ये इनका गठजोड़ है। ये खालिस्तान को लेके, और ये भी ना भूले आप कि जब आपने 1971 में भारत ने जब दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, उसी के बाद से इन्होंने पूरा खालिस्तान का प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? अमेरिकन ने शुरू किया था, और फिर उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ISI का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी बदले की भावना से ग्रसित था और आज भी है, और अमेरिका भी को बड़ी वो बड़ा झटका मिला था उस लड़ाई में, क्योंकि आपको मालूम है कि वो खुल के उस पाकिस्तान के पक्ष में आ गया था। तो ये CIA ISI खालिस्तान की ये गठजोड़ लोगों को समझ में आनी चाहिए इसको। सर, इंडिया को इस गठजोड़ को कैसे काउंटर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सुर्खियों में भी, मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो एक और बात मेरे जहन में आई, क्योंकि अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था डुप्लीसिटी। ये अमेरिका और भारत का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया था सर, उसमें इन्होंने ये कहा कि कंट्रीज अंडर द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो इसे कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ये तो भाई भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट अमेरिका ये एक्नॉलेज कर रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, प्लस वो ये भी मान रहा है कि ऐसे भी इलाके हैं जो पाकिस्तान के नहीं हैं, सिर्फ उसके कंट्रोल में है इस वक्त। एक तरफ ये दिखावा, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ ये खालिस्तान वाली साजिश जिसका जनक आप CIA को बता रहे, ये बहुत समझने वाली बात है कि इंडिया इन दोनों मुखौटों के बीच आगे कैसे बढ़े पाकिस्तान के संदर्भ में। देखिए, ये जो भी हो रहा है कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या हमारे अपने पंजाब में, आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान द्वारा संचालित, अमेरिका के द्वारा प्रायोजित, या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रायोजित और अमेरिका के, ये पाकिस्तान के द्वारा संचालित ये प्रॉक्सी वॉर है। तो इसको कृपया भी, जितने भी मैं तार देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जितने ये कनाडा में ग्रुप्स हैं, ये सब के सब, इनके कनेक्शन CIA से भी हैं और ISI से भी, सब के तार आके वहां पे जुड़ते हैं ISI से। वही नहीं, ये जो क्रिमिनल गैंग्स, जो आपके 60-70 क्रिमिनल गैंग्स है, ये जो खालिस्तानियों के साथ जुड़े हुए, उनके भी तार यहाँ पे है। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्यों इतना आसान है यहाँ पे हमारे देश के खिलाफ, इसका कारण एक है कि हमने ये सेक्युलरिज्म के नाम पे, हम यही नहीं समझ पाए कि हमारा राष्ट्रवाद का जो रैलिंग फिलॉसफी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अब किस आधार पे राष्ट्रवाद करते हैं? सेक्युलरिज्म के नाम पे तो कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकती ना। अगर फ्रांस में, मान लीजिए वो भी अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, तो वो कहते कि भाई नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ फ्रेंच भाषा ही बोली जाएगी, तो एक रैलिंग पॉइंट हुआ, एक एलिमेंट हुआ नेशन बिल्डिंग का। वो कहते हैं कि हम अपने कल्चर को हम धूमिल नहीं होने देंगे, वो एक पॉइंट हुआ।
लेकिन आपका क्या है, आप इंडिया है कि भारत है कि हिंदुस्तान है, हम क्या है क्या, आपकी भाषा क्या है, और फिर आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। आपने उर्दू को एक अलग लैंग्वेज की बात हो रही है, आपने उर्दू उर्दू लैंग्वेज कहा कि एक एक भाषा है उर्दू लैंग्वेज। आप बताइए कि बॉलीवुड को कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और हर डायलॉग हर गाना आपको 60-70% उसमें आपको पर्शियन के वर्ड्स मिलेंगे, इब्तिदा इश्क में सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा, तमाम गाने आप ले लीजिए। तो इसको इसको आप एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और हमको हमसे आप पैसे कमा रही है बेच के, ये बेच के, तो आप उसको उर्दू फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोलते हैं? अगर उर्दू और बिना वर्ब्स के कोई लैंग्वेज हो सकता है, 100% जो वर्ब्स है वो हमारे लैंग्वेज से ली गई है। अब आप किसी चीज को, आप पानी को आब बोल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब आप कहते हैं कि यहाँ का आब यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो अच्छा है इज टेकन फ्रॉम आवर लैंग्वेज। तो मैं कहने का क्या मतलब है कि देखिए, ये बड़ा सवाल आपने बड़ा गहरा सवाल पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तो आपको फ्रांस में भी जो हो रहा है वो दिख रहा है, फ्रांस क्यों जल रहा है? वो तो सेक्युलर थे, वो कहते थे कि सेंसस में भी आप अपना वो आपका जो भी मजहब हो वो आप जिक्र नहीं करेंगे, और ये सब हुआ, फिर भी आप देखिए जो ये लड़का मारा गया है और जिसकी गोली से मारा गया, आपने कल अखबार में पढ़ा होगा कि जब डोनेशंस की बात आई है तो उस पुलिसमैन के फेवर में कितना आउट पोरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट है उसको। तो देखिए जी जी जी, अब अदिति जी सबसे बड़ी बात है, और ये लोगों को समझनी चाहिए, अपने फौजी भाइयों को भी मैं कहता हूँ कि देखिए, ये रफाल और ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन, और ये आर्टिलरी गन, वो आर्टिलरी गन, न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर, वो एक अलग वो उसकी अहमियत है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत है आपके आंतरिक आंतरिक जो आपका इंटीग्रेशन है, जिसको नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं उसके लिए। और नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता कि तुम अपने रास्ते चलो हम अपने रास्ते चले, और वो सब के आपके तार पोप से जुड़े हुए हैं, किसी के तार मक्का मदीना से जुड़े हुए हैं, क्या किस बात पे फिर नेशनल इंटीग्रेशन हो गया? हम गंगा को अपनी माता मानते हैं, गंगा हमारे लिए पूजनीय है, हिमालय शिव भूमि है, आपके लिए एक महज पहाड़ है। तो कहीं पे तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का ये होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने ये बहुत जरूरी है कि हम जो अपने जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने नेशनहुड को, उसको उसको डिफाइन करें। और दूसरी बात है, आप अगर खालिस्तान प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने जब 80 में कार्रवाई हुई वहां पे 1984 में, तो समस्या दब गई थी लेकिन बुझी नहीं थी। खालिस्तान की समस्या दबी हुई थी, दब गई थी, बुझ नहीं गई थी। और इसका कारण क्या है कि आपने भौतिक रूप से तो चलिए उस पर काबू का पा लिया था, लेकिन अपने आध्यात्मिक रूप से उस पर काबू नहीं पाया, और वही सेक्युलरिज्म के नाम पे। अगर आपने आध्यात्मिक रूप से उसको एड्रेस, और आपने फिर वो भौतिक रूप से गोल्डन टेंपल को रिपेयर करके आपने उन्हीं लोगों को के हाथ में उसका में दे दिया गोल्डन टेंपल को, जो कि सनातन के दुश्मन थे। तो इसलिए मैं कहता हूं, यही बात मणिपुर में भी, आपने अगर ये धर्मांतरण की नीति नहीं अपनाई होती तो वहां भी समस्या नहीं होती। ये बिल्कुल पहाड़ पे क्रिश्चियन है, घाटी में मैतई है, हिंदू है,
एक क्रिश्चियन हिंदू की जमीन ले सकता है, लेकिन ये जहाँ पे 11% एरिया में 57% पॉपुलेशन जो घाटी में, वो जमीन नहीं ले सकते, तो क्या वो घुट घुट के मर जाएंगे? मणिपुर में, मणिपुर की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि घाटी जो है वो 11% है और हिल्स जो है वो 89% है। वो 11% एरिया में 57% मैतेई रहते हैं और 89% में वो क्रिश्चियन रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इन क्रिश्चियन का कनेक्शन कहां से है? क्रिश्चियन का कनेक्शन, अभी जो ये पूरे जब हालात बिगड़े, तो इन्होंने केंद्र से केवल अपील नहीं की, इन्होंने पोप से भी अपील किया। और आपने कभी, और ये मैतेई लोग तो हिंदू हैं, ये वैष्णवाइट हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो, छोड़ दीजिए अर्जुन और चित्रगंडा वाली, वो मैं उतना पुराना नहीं जाऊंगा, लेकिन 8 सेंचुरी AD के बाद से ये बिल्कुल निरंतरता रही है उसका, वहां के राजशाही परिवार। तो जब ऐसी निरंतरता हो तो आप समझ जाइए कि कितना समृद्ध मैतेई संस्कृति है। लेकिन उसके सपोर्ट में तो किसी हिंदू संगठन, किसी साधु पे तो नहीं वो किया था। तो जब इस तरह का है तो अलगाववाद अलगाववाद होगा। अब कम से कम इनको होश आना चाहिए और ये खत्म कीजिए। और अपने डिक्शनरी से, ये जो आपका जो एंथ्रोपोलॉजिकल डिक्शनरी है, ये ट्राइबल वाइबल जो है ना, ये सब कॉन्स्ट्रक्ट है। हम सब ट्राइबल है, वी ऑल बिलोंग टू सम और द अदर ट्राइब। तो ये आप सोल्यूशन पूछ रही, तो ये डिकंस्ट्रक्ट कीजिए इसको। और जब आप कहेंगे कि यहां केवल क्रिश्चियंस रह सकते हैं और ये, लेकिन हिंदू जमीन नहीं ये कर सकते, तो फिर अलगाववाद होगा। इतना ही नहीं, आप को मालूम होना चाहिए कि उनका क्या नाम था, जस्ट फॉरगेटिंग, वर्नियर कुछ था, ये नेहरू जी ने, वर्नियर जो थे वो अपने आप को एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े, अंग्रेज था, मिशनरी वर्क के लिए आया था, फिर भी इसने नौटंकी किया, झूठ मूठ का हिंदू बना, फिर क्रिश्चियन बन गया। और उसके बाद से उसने नेहरू जी से एक उसने एग्रीमेंट साइन किया, 1960s की बात कर रहा हूं, और उस एग्रीमेंट में था कि नागालैंड में कोई साधु संत नहीं जाएगा और कोई मंदिर नहीं बनेगा। और उस समय जो साधु समाज के जो सेक्रेटरी थे, उनका नाम था स्वामी आनंद, उन्होंने कहा था, बड़ा उन्होंने दुख प्रकट किया था, बोलता अगर हमको जाने देते तो हमारी भावनात्मक एकता किसी और स्तर की होती। तो आपने तो अपने अपने ही आपने नीतियों से आपने अलगाववाद को पैदा किया। उसी तरीके से, उसी, अब मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं, उसी तरीके से आप जब भी कुछ होता है, माफ कीजिएगा, जब भी मान लीजिए खालिस्तान को लेके कुछ होता है, तो आप इतने डिफेंसिव पर क्यों हो जाते हैं? काउंटर नैरेटिव चलने दीजिए। मैं देखिए, मान लीजिए मिस्टर गांधी ने 1984 किया, और आप कहते हैं कि वो अकालियों को करने के लिए उन्होंने भिंडर वाले को खड़ा किया, तो खड़ा किया ना उसको, आपको आपको मिसेस गांधी ने नहीं कहा था ना कि भिंडर वाले की आप पूजा कीजिए? आपको तो नहीं कहा था ना कि उसका फोटो लगाइए और अमेरिका के गुरुद्वारे और कनाडा के गुरुद्वारों में भिंडर वाले की फोटो लगाइए? ये तो मिसेस गांधी ने नहीं कहा था। दूसरी बात, तो ये बात बोलनी चाहिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। दूसरी बात, 2012 की बात है, जनरल कुलदीप सिंह बरार, ठीक है, वो लंदन में घूम रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और उन पर अचानक इन खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। हमलावरों में से एक सिख महिला भी थी। अब क्या था, कुलदीप सिंह बरार का क्या ये था कि उनका यही दोष था कि जरनैल सिंह भिंडर वाले और उसको गुंडों के नापाक हाथों से उन्होंने गोल्डन टेंपल को सैल्वेज किया, गोल्डन टेम्पल को उन्होंने निजात दिलाया था वहां पर। फिर से वहां की जो प्योरिटी थी, जो पवित्रता थी, उसको फिर से बहाल किया था। तो आप उसके उनको अपने चाकू से
78 साल का आदमी सोचो उसके चाकू से हमला करे, उसका गर्दन बीनो दे रेतने की कोशिश की। अब आप ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेंपल्स को आप अटैक कर रहे हो, स्वामी नारायण के टेंपल को, आप वो कृष्ण, वो लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को आप हमला करें। अरे गुरु गोविंद सिंह का नाम गोविंद कृष्ण का नाम था। तो आप ये जब वो आप शिवा टेंपल पर अटैक किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, उसी शिवा टेंपल पे जो गुरु गोविंद सिंह के जो जिसको गुरु गोविंद सिंह अपना वो मानते थे, उनसे शक्ति मानते थे, दे शिवा वर्मोहे शुभ कर्मण कभी न तरो कभी न जाओ कभी न डरो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो, उसके ये कर रहे। तो कहीं पे ये बातें बोलने में हम ना थोड़े क्या कहें, या तो हमें कन्विक्शन नहीं है, या हम सोचते हैं कि नहीं अभी छोड़ दो, अभी ये अपने आप ही संभल, अपने आप कोई चीज जब नैरेटिव होगा तो काउंटर नैरेटिव होगा। और ये अगर काउंटर नैरेटिव अगर आप लेके चले तो मैं आपको बताता हूं कि ये इतना आसान भारत में इतना प्रॉक्सी ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। आज पाकिस्तान प्रॉक्सी, पाकिस्तान इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया में प्रॉक्सी की कमी नहीं होगी, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, केवल एक टेरिटरी का टुकड़ा नहीं है, पाकिस्तान एक सोच है, वो सोच यहां पे अभी तक उसी तरीके से जीवित है जिस तरह से 1947 में जीवित था। याद रखिएगा जो आज का पाकिस्तान है वहां के लोगों ने कहीं पर आंदोलन नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, न सिंध ने किया था, न बलूचिस्तान ने किया था, पंजाब में भी यूनियनिस्ट पार्टी थी और वो खैबर पख्तूनख्वा में तो खान अब्दुल गफार खां थे। तो किसने आंदोलन किया था पाकिस्तान के लिए? आंदोलन करने वाले में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। मुस्लिम लीग को 86% मुस्लिम वोट्स मिले थे 1946 के इलेक्शन में और सब यही रह गए। तो प्रॉक्सी यहां पर ढूंढना क्या ये है? अब आप हमको एक अब्दुल हमीद का एग्जांपल दे दोगे, आप हमको वो कर्नल उस्मान का एग्जांपल देंगे। अब्दुल हमीद और कर्नल उस्मान ने सबका ठेका नहीं ले रखा था। तो इसलिए आपको अगर भारतीय करण जब तक आप तक नहीं करेंगे, प्रॉक्सी ढूंढना बहुत आसान होगा। जो ये खालिस्तानी है कौन है? ये असली सरदार नहीं है, ये असली सिख नहीं है, ये सब मौकलिफ के ये औलाद है। और मौकलिफ कौन था आपको मालूम है? मौकलिफ ने ये पूरी प्रोजेक्ट शुरू की थी 1890 वगैरह के टाइम पर, एक सेंसस हुआ था, उसने खुद लिखा है शिमला में, वो सेंसस कमिश्नर था, उसने ये बात कही कि जब पिछली बार हमने सेंसस किया था पंजाब में तो लोगों ने कहा, किसी कहता है कि किसी सिख ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं, लेकिन 1911 आते आते हालात बिल्कुल विपरीत हो चुके थे। और उसने कहा ऐसा हमने कैसे किया, मेरे पास किताब है, वे डॉक्यूमेंटेड है। उसने कहा कि हम ऐसा करने में इसलिए सफल हुए कि हमने इंडियन आर्मी में जट सिख के अलावा सबका एंट्री बंद कर दिया, और उसके बाद हमने इनमें इनको फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस हमने इनमें पैदा करने के शुरू किए, इनके ऐसे त्योहार बनाने लगे, इनके कुछ ऐसी वेशभूषा कर दी। तो ये सब ये मौकलिफ के ये औलाद हैं, चेले हैं इनका। इनका भारत इनका गुरु नानक देव से कुछ लेना देना नहीं है। अरे सिख गुरु तो बहुत महान थे। और आज ये हालत हो गया है कि जो आप सोचिए कि एक माता अपने बड़े बेटे को सिख पंथ में भेजती, एक बेटे को, आप उन माओं को गाली दे रहे हैं सनातन को और सनातन के मंदिरों पर गाली देते? अरे वो तो तुम्हारी भी माँ है, तो तुम अपने माँ की गाली दे सकते हो, तो तुम क्या ब्रिटेन और अमेरिका को अपनी माँ मानोगे? ये इनको समझ में आना चाहिए, CIA को और MI5 को।
तो ये दिस इज नथिंग बट अ बिल्डिंग ऑन नैरेटिव. और बहन बिंदु, आपने यहाँ पर ये जो काउंटर नैरेटिव को लेकर उठाया है और प्रॉक्सीज को किस तरह से डेसिमेट करना है उसे लेकर उठाया है, मैं आपसे मणिपुर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे. लगातार एक पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है सर, और पैरेलल ये ड्रॉ किया जा रहा है कि कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था लेट 80s और 90s में, वैसा ही मेथी समाज के साथ हो रहा है मणिपुर में. और ये इसलिए और भी ज्यादा अलार्मिंग है कि हम सेंटर पर नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रहे हैं, मणिपुर में बीजेपी को देख रहे हैं, और फिर भी ये हो रहा है. नहीं, मैतेई के मामले में हिंसा बहुत व्यापक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. लेकिन इतना बता दूं आपको कि मैतेई लोग अपनी जमीन को पकड़े हुए हैं, बहुत बहादुरी से स्थिति का सामना कर रहे हैं वो लोग, जो कि वहां पे बहुत सारे कारणों से नहीं हुआ था. जिस समय 90 में जब पलायन हुआ था हमारे कश्मीरी हिंदुओं का, और फर्क अदिति जी ये पड़ा है, मैं आपको बता दूं, मैं तो फौज में था जी, और इतने एक वहां पे कोर हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, इतनी फौज, इतनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये सब रहते हुए भी ये पलायन हो गया, इसके लिए मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकता. अपने आप को जब मैं कहता हूं तो जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ था और उसके बाद भी मैं फौज में था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था. अगर आप हमारे आर्मी के कलीग से बात करें तो जब जो जो भी आपने इस पिक्चर में देखी द कश्मीर फाइल्स में, वो तो बहुत छोटी थी, इट इज नॉट इवन 1/3 ऑफ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, और उसके बाद भी होता रहा. लेकिन पता नहीं हम इतने क्यों ऐसे थे, हमारी बनावट क्या है, हमारे भारत माता के प्रति समर्पण क्या है. देखिए मैं आपको एक बता दूं, एक अच्छा अफसर होना फौज में और एक पैट्रियोटिक अफसर होना, दोनों में बहुत फर्क है, समझ रहे हैं? जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत फर्क था. वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में थे इन लोग, और अरबिंदो ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था मणिपुर के तिकेंद्रजीत सिंह, ये शाही परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ये 1891 की बात है कि अंग्रेजों को उन्होंने मार के भगा दिया था. फिर अंग्रेजों को ये लगा कि चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि एक छोटे से राज्य ने इनको भगा दिया, तो उनको लगा कि अब तो हिंदुस्तान से ही हमको भागना पड़ेगा, तो बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने हमला किया था. ये मणिपुर के राजशाही परिवार के बारे में कह रहा, तो उन्होंने हमला किया, और हमले के बाद जब उनका कब्जा हुआ फिर से मणिपुर पे, तो जो वहां के सेनापति थे और जो राजा के भाई थे कुलचंद्र सिंह के, तिकेंद्रजीत सिंह को उन्होंने फांसी की सजा दी, और कुलचंद्र सिंह को और उनके 22 सहयोगियों को काला पानी की सजा दी गई, और उन्हें काला पानी भेजा गया. और उस समय यह सेलुलर जेल नहीं बना, उनको एक पहाड़ी पे रखा गया जिसका नाम था माउंट हैरियट, और इस वर्तमान सरकार ने उस माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया है. ठीक है, अब कितने लोगों को मालूम है ये सिकंदरजीत सिंह के बारे में? मैतेई लोग इसमें बहुत प्राइड लेते हैं, इसमें बहुत उनको अपने इतिहास के प्रति वो बहुत जागरूक है और बहुत सम्मानित, वो एक ये लोग सब पूजने वाले लोग हैं, सिकंदरजीत सिंह और कुलचंद्र सिंह. और कुलचंद्र सिंह की जो ही डाइड फाइनली 1933, अब कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में, ये कुलचंद्र सिंह के बारे में और सिकंदरजीत सिंह के बारे में? तो ये लोग स्वतंत्रता संग्राम में थे. अब इनको आप स्वतंत्रता के आंदोलन वालों से
अगर आप इनकी तुलना करो, आंदोलन क्या है, आज आप जंतर मंतर पे है, फिर आपको मूड किया 6 महीने के बाद फिर आप जंतर मंतर में हो, तो सिंगूर बॉर्डर पे भी आंदोलन हो रहा, और सिंगूर बॉर्डर के आंदोलन पे मैंने देखा कि किस तरह से एक सिखों ने अपने सिख भाई को एकदम तालिबानी तौर पे उसको कुतर कुतर के मारा। उसका नाम था लखवीर सिंह। वो दृश्य आप तो थी, आपको आपने तो देखा ही होगा वो तो ये बिल्कुल तालिबानाइजेशन हो चुका है इन खालिस्तानी का। यही नहीं, लोग माने या ना माने, इन खालिस्तानियों ने उसके बाद ये जब प्रधानमंत्री का फिरोजपुर विजिट हुआ था, उनका असैसिनेशन का ये पूरा इन्होंने पाकिस्तान के से मिलके पूरा इंतजाम कर रखा था। और बताऊं आपको, जब ये हुआ, जब ये वाकया हुआ फिरोजपुर में, तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपको हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तहकीकात फेयर होनी चाहिए, इसलिए हम अपने कमेटी के द्वारा करवाए। आपने कभी सुना है? तो सरकार क्यों चुनी जाती है? दूसरी बात, उसके एक दिन पहले ये उसका नाम क्या है, वो एक पन्नू नाम है, उसने वहां से अमेरिका से पूरा एक उसने कम्युनिकेशन फर्म को हायर किया था, और प्री रिकॉर्डेड मैसेज जजेज और वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट का आया था कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारे भी ऐसी की तैसी कर देंगे। उसी तरह की धमकी जब याकूब मेनन के उसमें हुई थी। तो अभी जो आप बहुत चौड़े होके कि हम 370 हटेंगे, देखेंगे और हम उस पर ये करेंगे, अरे जज साहब, 370 के पहले तो आप घाटी में भी नहीं घुस सकते थे, और आपके बच्चे नहीं घाटी में गए होंगे। यहाँ दिल्ली के ऊंची कुर्सी से ये करना, तो ये जो अंग्रेजी जो ये जज साहब बोल रहे हैं ना, ये भी इसीलिए है क्योंकि 370 जैसे कानून ये हट गए, और अब भारत की टेरिटरी से बड़े नहीं है। जज आते हैं, रिटायर होते, कई को हमने टेलीविजन पे देखा, उनका स्टैंडर्ड भी देखा है हमने। तो यही इसका जो आप हमसे सवाल पूछ रही थी कि हमको इसको केवल इसको दबाना नहीं है, इसको 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 बुझाना है। आप दबा देंगे आज कुछ करके कि स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो स्थिति फिर पुनः कब वो ज्वलंत हो जाएगी आप नहीं जानते हैं। तो हम और आप इसीलिए बैठे हुए कि कुछ ऐसा ढल ढूंढे कि जो कि एंड्योरिंग हो, परमानेंट हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए और आपके इनसाइट्स के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप जिन सॉल्यूशंस की, समाधान की, जिस सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है, उन्हें भी ये बात समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। एक जय हिंद। एक लास्ट में एक लाइन बोल सकता हूँ? देखिए, जब आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये तो क्रिश्चियन थियोक्रेसी का ये हिस्सा है, कन्वर्जन जो हिस्सा है, तबलीगी जमात भी कन्वर्जन करती, तो इन सब का अगर इनके इनके मजहब का ये हिस्सा है तो काउंटर कन्वर्जन भी तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। वो किस, ये तो भी अपने आप से पूछिए कि वो क्यों इतना बेचैन है आपको कन्वर्ट करने के लिए। वो मैडम टेरेसा जो थी, वो क्या मतलब, वो अल्बेनिया से यहाँ केवल वो माँ बनने आई थी, या वो ग्राम सेंस की बीवी? तो अगर वो लोग आ सकते तो हमारे लोग भी तो जा सकते हैं ना, मतलब घर वापसी भी हो सकती है। तो ये यही इसका, जब तक आप एग्रेसिव घर वापसी नहीं करेंगे, या कन्वर्जन को आप जब तक आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक आपको अस्थायी रूप से समाधान नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।
हूँ सर।